राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री उपस्थित हैं आज का विषय लेकर, मकर संक्रांति 2021 में कब है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 14 या 15 जनवरी में ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार 2021 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी, दिन गुरुवार रहेगा। इसमें क्या शुभ मुहूर्त है, किस समय आप दान पुण्य जप तप पूजा पाठ आदि करके अनंत गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, चलिए जानते हैं और भी विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं शुभ मुहूर्त, शुभ समय, शुभ काल। संक्रांति का जो पुण्यकाल आरंभ होगा वह प्रातः 8:03 से आरंभ होकर दोपहर 12:30 तक रहेगा, यानी 4:26 का बहुत ही भाग्यशाली समय रहने वाला। इस समय के मध्य आप जो भी जप तप पूजा पाठ दान यज्ञ आदि करेंगे उसका हजारों गुना फल आपको प्राप्त होगा, हजारों गुना पुण्य अधिक प्राप्त होगा। जो महापुण्य काल रहेगा, जो एकदम सटीक सिद्धिदायक समय रहेगा, 8:03 से आरंभ होकर 8:27 तक सबसे प्रभावी समय, जिसे 24 का महाभाग्योदयकारी समय कहा जाएगा। इसी बीच आप जो भी पूजा पाठ जप तप आदि करेंगे अनंत गुना लाभ की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति मकर राशि में सूर्य का संचरण है, सूर्य का प्रवेश है। मकर राशि भगवान सूर्य के पुत्र शनिदेव की राशि है। इस दिन अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग रूप में मनाया जाता है, लेकिन मनाया जरूर जाता है, क्योंकि भगवान सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। यानी अब मकर संक्रांति के पश्चात सूर्यदेव उत्तर की ओर बढ़ने लगेंगे, यानी दिन बड़ा हो जाएगा और रात्रि छोटी होने लगेगी। और भी अनेक शुभ समय, शुभ कार्यक्रम, शुभ उत्सव आरंभ हो जाते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से, पोंगल उत्सव के नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश आदि में भी मकर संक्रांति के रूप में इस पावन पर्व को मनाया जाता है। इस पर विशेष रूप से किसी भी नदी के तालाब के किनारे मेला या उत्सव भी मनाया जाता है। बहुत लोगों की इसमें भीड़ जुटती है। सभी लोग अपने अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए उस मेले में सम्मिलित होते हैं और जो भी तीर्थ होता है उस तीर्थ पर दान यज्ञ जप तप आदि करते हैं और वहाँ पर जाकर गुड़ का, तेल का, कंबल, छाता या फल आदि का जो भी सामर्थ्य है उसका दान करते हैं, क्योंकि दान से ही महाभाग्य उदय होता है। क्योंकि कुंडली का नवम भाव धर्म का भाव है, धर्म से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और वह हमारे साथ आजीवन, पूरे जीवन पर्यंत जहाँ हमें भाग्य का सहयोग चाहिए होता है वह हमारा पुण्य कर्म उदय होता है और हमें लाभान्वित करता है। इस समय पतंगबाजी भी खूब की जाती है, आप सभी ने देखा होगा नाना प्रकार की पतंगे इस दिन आसमान में लहराती हैं, उड़ाते हैं लोग। कारण इस समय सर्दियों का समय रहता है और भगवान सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश एक सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। इस दिन प्राप्त होने वाली जो सूरज की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, वे आप में एक तेज, एक ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं। पतंगबाजी करके इस दिन लोग भगवान सूर्य की जो सकारात्मक किरणें हैं उनको अपने शरीर में प्रवेश करवाते हैं, ताकि सकारात्मक ऊर्जा जीवन पर्यंत बनी रहे और आने वाला जो वर्ष है 2021 है वह आपके लिए मंगलप्रद रहे। इस दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी कर्म किया जाता है उसका प्रभाव 1000 गुना बढ़कर आपको प्राप्त होता है, क्योंकि मलमास खत्म होता है और आने वाला जो उत्तरायण है शुभ कर्म इस दिन से आरंभ हो जाते हैं, मांगलिक कर्म आरंभ हो जाते हैं। इसमें एक श्लोक बहुत ही सुंदर कहा गया है, माघे मासे महादेव यो दास्यति घृत कम्बलम सा भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यसि। हमारे शास्त्र बड़ा ही अद्भुत वर्णन करते हैं, कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दिन मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी और कम्बल का दान करता है वह मृत्यु के पश्चात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है, सदगति उसको प्राप्त होती है। चार राशियों पर विशेष प्रभाव रहेगा भगवान सूर्यदेव का, मेष, मकर, कर्क, तुला। इन पर अच्छे प्रभाव के कारण ये उन्नति और प्रगति कर पाएंगे। इस पर्व पर पुरानी फसलों को काटकर नई फसलों की बुआई की जाती है और खिचड़ी के रूप में भी इस पर्व को मनाया जाता है। बहुत सारे राज्यों में इस दिन खिचड़ी को पकाकर, यानी चावल और उड़द की दाल को मिक्स करके जो खिचड़ी पकाई जाती है उसको घी के साथ खाने की बड़ी अद्भुत परंपरा है। सुबह स्नान ध्यान आदि के पश्चात भगवान का पूजन करके सूर्यदेव को अर्घ दे के खिचड़ी का भोग लगाते हैं, भगवान को भी और स्वयं भी ग्रहण करते हैं। बड़ा ही
आनंद आता है इस दिन इस पर्व को मनाने में। अतः आप सभी को भी भगवान सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए, अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए और बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ आज के दिन को व्यतीत करना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग जो राज्य हैं उनमें अलग अलग नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। मकर संक्रांति जो है छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, सिक्किम, बंगाल और उत्तराखंड आदि में जो है मकर संक्रांति के रूप में इसको मनाते हैं। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में लोहड़ी के रूप में इसे मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से इसको मनाया जाता है। सभी अपनी अपनी परंपरा के अनुसार इस पर्व को मनाते हैं। आप इसको किस रूप में मनाते हैं, आपकी क्या परंपरा है, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।